मनरोला पहुंच गए हैं। कहाँ से? कहाँ ये हम पहुंच गए हैं मनरोला, और ये बस ड्राइवर, ये हमारी एग्जिट हो गई है मनरोला मार्केट में, जैसे कि आपको हम दिखाते हैं। हमने ट्रैवल इस बस में किया है, अली हटी हटी, ये बस आप देख रहे हैं, इसमें हम ट्रैवल करके आए हैं रोला मार्केट। और अभी यहाँ पे रोला में हमें क्या क्या मिलेगा वो हम आपको शो कराते हैं। आ जाए यार, अभी मेरे फ्रंट पे है बिल्कुल रोला का मशहूर पार्क, रोला पार्क जिसको कहा जाता है, वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हम रोला मार्केट में मौजूद हैं। ये कार पार्किंग देखें आप लोग, ये चेक करें, मतलब लोगों ने अपनी पार्किंग लगा के अपनी शॉप में गए हैं। ये बाईसाइकिल पे आ रहे हैं, ये देखें इनको, ये देखें ये गए। तो ये यहाँ की रोड चेक करें, इनकी स्ट्रीट चेक करें, रोला मार्केट की सेम आपको पाकिस्तानी माहौल मिलेगा रोला मार्केट में। ये चेक करें, ये शॉप के बाहर आप देख सकते हैं किस तरह लोगों ने स्टॉल लगाए हैं, कैसे जितनी शॉप के अंदर स्पेस है बाहर भी स्पेस कवर की हुई है। चलते हैं ये आगे बैग की जानिब, ये बैग चेक करें किस तरह स्टॉल लगा हुआ है शॉप के बाहर, जिसको भी जिस साइज़ में लगी चाहिए वो यहाँ से परचेज कर सकता है ईजीली। चलते हैं आगे, ये भाई साहब कुछ शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। और ये आगे एक और बैग की दुकान, अस्सलाम वालेकुम भाई जान, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। अच्छा तो ये भाई साहब की शॉप है, वो शायद कुछ खा पी रहे हैं और कुछ परचेजिंग कर रहे हैं। चलते हैं आगे की जाने, देखते हैं आगे क्या क्या है। ये अली भाई जी बैग की दुकान, और इसके राइट साइड पे आपको मिलेगी ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, और ये फिर साथ बैग की शॉप और ब्लैंकेट वगैरह मौजूद हैं। ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं रोला मार्केट में। ये देखें यहाँ पे रश चेक करें, कितनी रश है मार्केट में, कैसे गाड़ियाँ सारी फंसी फुसी में। चलते हैं आगे और देखते हैं मार्केट में क्या क्या चीज़ है। ये देखें ड्राई फ्रूट की शॉप, काफ़ी बड़े साइज़ में। और ये देखें कपड़ों का स्टॉल, 10 दिरहम, 5 दिरहम, 10 दिरहम, ये आपको यहाँ पे शर्ट्स टी शर्ट्स 5 दिरहम में भी हैं, 10 दिरहम में भी हैं, 7-10 दिरहम में ट्रोज़र भी है। चलते हैं आगे की जाने, देखते हैं और क्या क्या है। रोला मार्केट का वजह सिर्फ करवाने का मकसद ये था कि यहाँ पे आप माहौल चेक करें, सेम पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी माहौल है, तो ये चेक करें। उसी तरह स्टॉल लगे हुए हैं और लोग रश है और घूम फिर रहे हैं, मतलब छोटी छोटी गलियों के अंदर शॉप्स हैं, ये देखें और कैसे लोगों ने स्टॉल बार स्ट्रीट में लगाए हुए हैं। मतलब ये अब शूज़ की शॉप आ गई है, देखें लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे सब कपड़ों की शॉप्स हैं, और ये लोगों को पता चल रहा है, ये लोग हाय हाय भिगा रहे हैं हमें। तो ये चलते हैं, बस ये माहौल चेक करवाने के लिए आज का विज़िट किया मैंने रोला मार्केट का। ये देखें उसी तरह स्ट्रीट के अंदर सब कुछ, ये टॉयज़ की शॉप है, एक बच्चों के टॉयज़ की शॉप, ये देखें कैसे कैसे टॉयज़ यहाँ पे मौजूद हैं, प्राइस नहीं लगी हुई मगर प्राइस की शॉप है। जैसे पाकिस्तान इंडिया में आवाज़ें मारते हैं
आ जाओ यहाँ पे वही काम है। दस दस का है तो हम इसके पास वापस जाते हैं। भाई हमारे पास आ जाओ, दस दस तरह में ये बगैर इसके दो दिखाओ, इसके बगैर टिकटॉक नहीं है, यूट्यूब है भाई। हाँ नहीं, इसके बगैर दिखाओ, इसके बगैर। हाँ इसके बगैर कौन सा, जैसे ये ना वाइट में, ये सब के साथ के लगा हुआ है ना, ये नहीं चाहिए। हाँ इसके बगैर दिखाओ मुझे, इसके बगैर तो नहीं आते भाई, ये ऐसा आते आना चाहिए ना, ऐसा आते ऐसे। अभी देखो इस भाई ने मुझे कहा दस दिरहम में वापस आए हैं, मगर ये जो क्या है ना, मुझे रुमाल दे रहा नहीं है। ये देखो, ये मैं इसके पास रुमाल परचेज करने आया हूँ, मगर ये देता नहीं है। अब इसका मैं क्या करूँ, ये देखो, ये हमें बुलाया, पहले बोला कि आ जाओ आके रुमाल ले लो, जब इसके पास रुमाल लेने आया तो कहते यार भाई जान 100 रुपये है, दस रुपये। जब आप लोग शारजा मार्केट में आएंगे, शारजा रोला मार्केट में आएंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि ये हमारा आज का एक हिस्सा है। बिल्कुल सेम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वाला हिसाब है, वही निज़ाम है सारा। जिसका जहाँ पे दिल करेगा वो बैठ जाएगा, और जिसका जहाँ पे दिल करेगा वो पार्किंग लगा देगा। जैसा कि मैं अपनी वीडियो में ये शो करते हूँ, देखे लोग पीछे बैठे हुए आराम से फुटपाथों पे मज़े कर रहे हैं, देखें बैक साइड में मेरी कैसे लोग बैठे हैं, मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। हाँ